नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार दौरे पर रही, जहां पर वो सबसे पहले शांति कुंज पहुंची। उन्होंने सबसे पहले शांति कुंज प्रमुख प्रणव पांड्या से मुलाकात की, जिसके बाद वो भगवान शिव की ससुराल दक्षेश्वर महादेव विशेष पूजा करने पहुंची, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ से विश्व कल्याण की कामना की। और इस दौरान उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि इन दिनों सावन मास चल रहा है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ का उन्हीं की ससुराल दक्षेश्वर महादेव में रुद्राभिषेक करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो बता दें, बेबी रानी मौर्य राज्यपाल ने पहुंची थी अपने दौरे पर, एक दिवसीय दौरे पर, जहां पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और कहा कि भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वंदना कटारिया के घर के बाहर असामाजिक तत्वों की तरफ से पटाखे फोड़े जाने पर हुई अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी हरिद्वार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ओलंपिक में हार के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वंदना के घर के पास जमकर पटाखे जलाए, जिसको लेकर वंदना कटारिया के भाई की तरफ से तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई, जिसके चलते थाना सिडकुल पुलिस की तरफ से कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, साथ ही जिन पर उचित कार्रवाई की जा रही है। जहां पूरा गाँव हार के बाद आंखों में आंसू लिए गुमसुम हो गया था, वहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व भी थे जिन्होंने घर की छतों पर चढ़कर खूब आतिशबाजी की। वंदना के भाई पंकज कटारिया की तरफ से बताया गया है कि जिन लोगों ने आतिशबाजी की वो खुद भी हॉकी के खिलाड़ी हैं और कहीं दूर नहीं बल्कि उनके पड़ोस के ही रहने वाले हैं, जिस वजह से ये साबित हो जाता है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना रखते हैं। हालांकि परिवारजनों की तरफ से पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बीते दो साल से लालकुआ से लेकर हल्द्वानी तक निर्माणधीन नेशनल हाईवे 109 की हालत बद से बदतर हो गई है। हाईवे का बेहद धीमी गति से निर्माण कार्य चल रहा है और इसी की वजह से आए दिन यात्री परेशान हो रहे हैं, साथ ही गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो रही है और पहले के दिनों में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताते चले कि बीते तीन साल से नेशनल हाईवे 109 का निर्माण कार्य चल रहा है, जो निर्माण कार्य दो साल से बंद है। वहीं लालकुआ से लेकर हल्द्वानी तक पर हाईवे पर कहीं ना कहीं मिट्टी के ढेर तो कहीं पर निर्माण सामग्री पड़ी है, कई स्थानों पर गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस राजमार्ग पर सफर करना बेहद खतरनाक हो चुका है। और हल्दू चौर, मोटा हल्दू, बेरी पड़ाव, गोरा पड़ाव के पास तो सड़क में काफी गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से आए दिन गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इधर लालकुआ ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने बताया कि इस नेशनल हाईवे से हर दिन हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं और ये हाईवे को उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों को जोड़ता है, लेकिन इस हाईवे का निर्माण दो साल से बंद है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो कई बार उच्च अधिकारियों को तक को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने शासन प्रशासन से हाईवे का जल्द से जल्द निर्माण कराने के लिए भी अब मांग की है। कि जल्दी से जल्दी बन जाए और दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले तो आए दिन एक्सीडेंट होंगे, कोई कोई तो कैजुअल्टी मर भी रहे हैं और गाड़ियों में बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, जाम लगता कभी कभी तो बहुत देर तक जाम लगा रहता, नुकसान तो है ही बहुत ज़्यादा और प्रदूषण भी है, धूल लक्कड़ से इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सरकार दी है जल्दी से जल्दी सुनवाई और जल्दी से जल्दी रोड बने, यहाँ के लोगों को थोड़ा सा ये सब चीज़ों से निजात मिले। ये तो लगभग 3-4 साल हो गए, बीच में चलता थोड़ा था, 10-5 दिन चलता फिर बंद हो जाता, बहुत ही ज़्यादा दुर्घटनाएं आए दिन हैं, आए दिन की दुर्घटनाएं का तो रोज़ दूसरे तीसरे दिन आए दिन खबरें आती रहती हैं। देखिए, 2 साल हो गए हैं और अभी तक यहाँ पर हाईवे का काम बंद पड़ा हुआ है, जिससे आए दिन यहाँ पर छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं
और जान जो है जोखिम में, यहाँ पर जो राहगीर चल रहे हैं वो अपनी दावत दे रहे हैं यहाँ पर, और इसके लिए हमने कई बार जो है शासन प्रशासन को लिखित में इसकी सूचना भी दी है, और सरकार जो है इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, और जिससे आए दिन जो है यहाँ पर दुर्घटना का कारण बना हुआ है, और जल्दी जल्दी अगर इसमें कोई इस तरह के गड्ढे अगर भरे नहीं गए या ये रोड यहाँ पर नहीं बनाई गई तो हम लोग इसमें एक जो है बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। आसपास सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र में उस समय हादसा हो गया जब एक चलती कार पर पहाड़ी से बोल्डर आ गिरा। घटना में कार सवार युवक को चोटें आई हैं, तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को कार से बाहर निकालकर निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस सहित SDRF और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसी के साथ सुरक्षा के डिस्ट्रिक्ट करकांड को से पहले ही भूस्खलन जोन के दोनों और बता दें होम गार्ड जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही नगर कोतवाली विनोद थपलियाल ने बताया कि बुधवार दिन में नागेंद्र पंवार अपनी कार से मनेरा बाईपास से जा रहे थे, तभी बाईपास पर सक्रिय भूस्खलन जोन से एक बोल्डर कार के ऊपर जा गिरा, जिसमें कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं गनीमत रही कि कार की बुरी स्थिति के बाद भी कार सवार की जान बच गई। बताते हैं कि बीते मंगलवार को भी गंगोत्री हाईवे पर चगी बठेड़ी के पास भूस्खलन होने से हाईवे पर आवाजाही पर खतरा बना हुआ है। साथ ही मनेरा बाईपास पर सक्रिय भूस्खलन में बुधवार को एक जान बाल बच गई थी। हालांकि दोनों और से वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन अब दोनों मुख्य सड़कों पर खतरा अभी भी जान का बना हुआ है। तो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है, और ऐसे में एक पहाड़ से भूस्खलन के चलते बोल्डर आ गिरा, और गाड़ी की स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा था जब एक बोल्डर गाड़ी के ऊपर गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि गाड़ी में सवार युवक की जान बच गई। उत्तरकाशी में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता मिशन पर काम कर रही स्वजल योजना विवादों में घिर गई है। दरअसल ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाया है कि इस परियोजना में कार्य सिर्फ कागजों में ही किए जा रहे हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत का अभियान, दूसरी तरफ इसके लिए चयनित विभाग स्वजल की लापरवाही इस मिशन की धरातल पर ही नहीं उतार पा रही है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि उनके गाँवों की योजनाएं स्वच्छ भारत मिशन के तहत कागजों में खाना पूर्ति तो पूरी कर रही हैं, लेकिन लाभार्थी लाभ से वंचित हैं, जिसके लिए ग्राम प्रधानों ने साल 2019 और साल 2020 की ग्राम सभा में चयनित लाभार्थियों को सूची और सार्वजनिक शौचालय के संबंध में विभाग को दे दी थी, जिस पर अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं विभाग का कहना है कि प्रधानों की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही सूची पर काम चल रहा है, जिसको जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। नैनीताल में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने जनता दरबार में फरियादों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही निस्तारण किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। यहां जनता की तरफ से प्रमुख समस्याओं में सड़क, पानी, शिक्षा, बीमारी, इलाज, प्रमाण पत्र, मुआवजा, फीस माफी, शौचालय, सशस्त्र लाइसेंस, टावर, रोजगार आदि से संबंधित 39 समस्याएं और शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जबकि अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करते हुए समस्याओं को मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में पंजीकृत समस्याओं को समयावधि में निस्तारित करना सुनिश्चित करें। Yeah.
अपील करते हुए मामले आदि कर रहे हैं। आज जो जनता दरबार हुआ उसमें अधिकांश मामले जो हमारे शिकायतों के रहे हैं वो सड़क बिजली और पानी से संबंधित हैं, जिसमें संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि समय रहते इनको निस्तारण किया जाए। और कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनमें अमल करते हुए हमारे फील्ड कर्मचारी वहाँ मौके पर पहुँच भी रहे हैं। कुल 18 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं और हम इनको फॉलोअप भी करते रहेंगे कि जल्दी निस्तारित होगी। कोई शुभली संभावित किसी अपील कर रहे हैं, जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं हम उससे अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर साबुन इत्यादि का प्रयोग बराबर करते रहें, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है और सबकी जिम्मेदारी है कोविड से बचने। गुजरात के बनासकांठा में मनरेगा योजना में काम कर रहे मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने पर विधायक जिग्नेश मेवाणी अनशन पर बैठ गए हैं। बता दें पालनपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस नजदीक विधायक जिग्नेश मेवाणी के साथ मजदूर भी अनशन पर बैठे और अपनी मजदूरी देने की मांग कर रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी ने बताया कि जिले में मनरेगा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों को पिछले 2.5 महीने से मजदूरी नहीं मिली है। करीब करोड़ों रुपए मजदूरी के न मिलने पर फिलहाल महंगाई में जीवन गुजार पाना मुश्किल बना हुआ है। वहीं विधायक ने सवाल उठाया कि हर अफसर को समय पर अपनी सैलरी मिल जाती है तो कड़ी धूप में पसीना बहाने वाले मजदूरों को आखिरकार मजदूरी क्यों नहीं दी जाती। सरकार के सामने गुस्सा जताते हुए मजदूरों ने भी प्ले कार्ड हाथ में लेकर नारेबाजी करके अपना विरोध जताया। साथ ही जिग्नेश मेवाणी ने बताया कि शाम को कलेक्ट्रेट ज्ञापन देकर मजदूरी की मांग की जाएगी और आने वाले दिनों में अगर सरकार जल्द फैसला लेकर मजदूरी के पैसे देने की शुरुआत नहीं करती है तो हम अनशन जारी रखेंगे। और एक और सरकार और कई नई योजनाओं के जरिए विकास करने के साथ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रही है, जबकि बनासकांठा जिले में हाल ही में ये मजदूरी करने वाले मजदूर अपनी मजदूरी के पैसे के लिए अनशन करने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार अनशन का सरकार और स्थानीय प्रशासन पर क्या असर पड़ता है। और महंगाई के इस दौर में जब गांव के किसी गरीब किसान या मजदूर के पास जब रोजगारी का कोई विकल्प नहीं बचता तब वो आखिरी विकल्प के तौर पे मनरेगा में मजदूरी के लिए इस ताप में इस धूप में जाते हैं। गुजरात के बनासकांठा जिले में जहां हम यहां एकत्रित हुए हैं, हजारों मजदूरों की 2.5 महीने की पसीने की कमाई का पेमेंट जो करीब 8.25 करोड़ होता है वो गुजरात की विजय रूपाणी सरकार और मोदी सरकार दबा कर बैठी है। तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर को बोला, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को बोला, कलेक्टर को बोला, गांधीनगर में लिखा, उसके बावजूद इन लोगों ने जो पसीना बहाया है उसका पेमेंट करने को तैयार नहीं है। उसको लेकर आज धरना है और उस वार्निंग के साथ धरना है। आज केवल एक दिन के लिए बैठे हैं, अभी यह पेमेंट रिलीज होना चालू नहीं हुआ तो अचौकस मुदत के अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठने का आयोजन है। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया सरकार? अभी आज हम लोग ज्ञापन देने वाले कलेक्टर्स को 4 बजे, तो 10-15 दिन का अल्टीमेटम देंगे। पूरे बनासकांठा जिले का सवाल उठा रहे, केवल मेरे मतक्षेत्र का नहीं, और उसके बाद पूरे गुजरात का सवाल उठाएंगे। गुजरात के 33 जिलों में भी शायद यही परिस्थिति कम बेश पाई जाएगी। बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ सपा की साइकिल यात्रा मुख्यालय समेत जिले की सभी तहसीलों में निकाली गई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर मिशन कंपाउंड स्थित कार्यालय से साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला अध्यक्ष अगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम खास सुल्तानी, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे मौके पर। साथ ही इस दौरान आजम खान की रिहाई को लेकर भी चर्चाएं की गई और प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जो आजम खान ने पार्टी के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता है। बीडीए हो, एडीए हो, एलडीए हो, केडीए हो, जीडीए हो, यहां मनमानी काम हो रहा है। बिना नोटिस के लोगों के मकान तोड़ दे रहे हैं, पूरी जिंदगी की कमाई लोगों लगाए हैं, पीढ़ियों की कमाई लगाए हुए हैं, बिना नोटिस के मकान गिराना एकदम अनुचित है। और भ्रष्टाचार इस कदर है कि पैसा दो काम करा लो। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तक ये बोले हैं कि बीजेपी के जमाने में भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार के बारे में मंत्री, सांसद, विधायक तक बोलते हैं, बीजेपी के, विपक्ष के ही नहीं, जनता ही नहीं, बीजेपी के सांसद विधायक तक बोलते हैं। अभी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इसी बरेली के अंदर भारत के केंद्रीय मंत्री ने जब कहा कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं,
मुख्यमंत्री के दौरे के तत्काल बाद एक चिट्ठी आई, लेकिन क्या हुआ उनके साथ? कोई भी बात अगर सरकार की गलती को उजागर करता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आम आदमी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि ये डेमोक्रेसी है या हिटलर शाही, तानाशाही। ये देश सबका है, सबको अधिकार मिला हुआ है, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। बरेली में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से डीडीपुरम स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल का सम्मान किया गया। वहीं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बरेली इकाई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभा नगर में ब्लॉक प्रमुख को भी समारोह में सम्मानित किया, जिसमें मुख्य अध्यक्ष के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में रश्मि पटेल ने कहा कि व्यापारियों के हितों को सर्वोपरि रखने के लिए और उनकी तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए वो हमेशा प्रयास करते रहेंगे। व्यापारियों को जो भी समस्या होगी उसका जल्द ही निराकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ जिला बाराबंकी में भी आज अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान उपस्थित हुए और साथ ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को कोटेदारों के यहाँ टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव भाषण सुनाने की व्यवस्था भी की गई थी। बता दें सभी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण देखा और उसके बाद प्रभारी मंत्री दारा सिंह ने अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को योजना के तहत बैग के साथ मुफ्त राशन का वितरण भी किया। उसके बाद जिले की सभी 1402 उचित दर की दुकानों पर कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों को बैग में राशन का वितरण भी किया गया। साथ ही इस दौरान दुकान पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी पालन किया गया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान जिले में 1,13,745 अंत्योदय और 5,33,584 पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों यानी कि कुल 6,47,329 राशन कार्ड धारकों को हर प्रति महीने प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में विस्तार से इस कोविड के कोलाहल से जो परेशानी हुई है पूरे देश में उस पर विस्तार से प्रकाश भी डाला है, आपने सुना भी है। और जब से कोविड के कार्यकाल में लोग परेशान अपने जीवन और जीविकाओं को लेकर के इस माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जीवन और जीविका आसानी से चले, इसके लिए सारे लोगों को निःशुल्क जो है अनाज की व्यवस्था किया गया है। और आज माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो है आज पूरे प्रदेश में इस तरह की योजना चलाई जा रही है और यह योजना नवंबर तक चलेगी कि आम जो गरीब है जो कोविड से परेशान बेहाल रहा है इन तक जो है कोई भूखे पेट न सोए, ये हमारी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, इसके लिए सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। बाराबंकी में बेरोजगारी, तेल की बढ़ती कीमतों, किसान कानून और दूसरे कई मुद्दों को लेकर सिपाहियों ने मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा निकाली। इस विरोध प्रदर्शन की कमान जिले भर में तहसील स्तर पर सपा के अलग अलग नेताओं ने संभाली और अखिलेश सरकार में पूर्व मंत्री गोप फरीद महफज कदवाई समेत तमाम सपा नेता इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका। इस मौके पर पूर्व मंत्री और सपा नेता अरविंद सिंह गोप ने भी कहा कि जनता बीजेपी सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है, अब 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की दोबारा सरकार बनने जा रही है, हम सभी मिलकर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री फरीज महफूज कदवाई ने कहा कि जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है और सपा पूरी तरह से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। देश के सबसे नौजवान नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब के नेता भी अखिलेश यादव जी आज साइकिल स्वयं लखनऊ में चला रहे हैं।
छोटे लोहिया जनेश्वर जी के पार्क तक वहां मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। ये साइकिल यात्रा महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोरोना में तमाम मौतें हुई उसको नहीं संभाल पाई है सरकार, बेरोजगारी, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इससे परेशान न हो, ये भीड़, ये उत्साह ये बता रही कि उत्तर प्रदेश सरकार से जनता उब गई है। ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक जुल्मी जालिम सरकार जाएगी नहीं, और 22 अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेके इसके साइकिल चला रहे हैं। साइकिल यात्रा निकाल के हमको सरकार को ये दिखलाना है कि पूरा जनता, पूरा देश, पूरा प्रदेश जो है वो उनके खिलाफ है, और जो कुछ वो कर रहे हैं उसके खिलाफ हम पूरी तरह से सजग हैं और पूरी तरह से तैयार हैं उससे निपटने के लिए। बलिया में सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर बैरिया में प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गढ़ भी पहुंचे, वहीं माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक पांडे, संतोष पांडे, तेज नारायण पांडे आदि लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने जनेश्वर मिश्रा के तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर केक काटा, जिसके बाद सूर्यभान सिंह के साथ सभी सपा के कई नेताओं ने मुख्य अतिथि को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पंडितों के मंत्रोच्चारण के बाद कार्यक्रम की भव्य शुरुआत की गई। पीलीभीत में शहर के आवास विकास कॉलोनी स्थित प्रसपा कार्यालय पर जागेश्वर मिश्र की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जागेश्वर मिश्र का धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया गया और प्रसपा के शहर विधानसभा के भावी प्रत्याशी शोएब खान ने दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की। मथुरा में चोर लुटेरे इस कदर बेखौफ हैं कि उन्हें यूपी पुलिस का भी कोई डर नहीं है। उसी के बाद तो अब आम आदमी ही नहीं बल्कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री तक की गाड़ियों को चुराने में जरा सा भी वो हिचकते नहीं है। ऐसा हुआ है मथुरा में, जहां पर योगी सरकार के मंत्री की ही लाखों रुपए की गाड़ी को चोर बीती रात उस समय चुरा कर फरार हो गए जब गाड़ी मंत्री के भांजे के घर के बाहर खड़ी थी। तभी चोरों ने गाड़ी को चुरा लिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस में हड़कंप मच गया और वायरलेस के जरिए सभी थानों की पुलिस को सतर्क कर दिया गया, जिसके बाद गाड़ी को राजस्थान की सीमा में लवारिस हालत में पाया गया। वहीं यूपी सरकार में कद्दावर नेता दुग्ध विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की इनोवा गाड़ी, जिसे मंत्री का भांजा मनोज फौजदार चलाता है, बता दें शाम को अपने थाना हाईवे इलाके में स्थित आवास चंद्रपुरी कॉलोनी में वो खड़ी कर सो गए थे। उसके बाद ही पुलिस को चुनौती देते हुए चोरों ने गाड़ी को चुरा लिया और गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए। वहीं ये पूरा मामला घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद से ही मंत्री की गाड़ी चोरी होने की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस महकमे में खड़कंप मच गया और आनंद फानन में वायरलेस के जरिए सभी थानों की पुलिस को चेकिंग कराए जाने की खबर दी, जिस पर पुलिस की सतर्कता के चलते चोरों ने गाड़ी को फतेहपुर सीकरी से भरतपुर जाने वाले रास्ते पर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। जलीकंडन सूचना मिली कि इनोवा गाड़ी है मथुरा से यूपी 85,004 गाड़ी चोरी हुई, नाकाबंदी करें 4,005। अब नाकाबंदी करी ऊंचा नगरा पर अपन ने वहाँ, फिर उसके बाद में हमारे एचएम का फोन आया हमारे पास में कि उस गोपाल नगरा गाड़ी की लोकेशन आ रही है। गोपाल नगरा से हम वापस नगरा से वापस हम आए तो यहाँ हमको एक गाड़ी एक्सीडेंट मिली, एक्सीडेंट हुई। अब ये मंत्री साहब की गाड़ी बताई जा रही है लक्ष्मी नारायण जी की। अब जो भी है अब जाँच करेंगे हम। भारत की सीमा बिस्ला की चुनौती टोक्यो ओलंपिक में समाप्त हो गई है। सीमा बिस्ला ब्रॉन्ज मेडल की रेस में बनी हुई थी, लेकिन जिस रेसलर ने सीमा को हराया था वो फाइनल में जगह बनाने में चूक गई और इसी वजह से सीमा बिस्ला का सफर समाप्त हो गया है। कुश्ती में अब भारत को सिर्फ बजरंग पुनिया से ही मेडल की उम्मीद बची है और ऐसे में बजरंग पुनिया ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया है। बजरंग पुनिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं और कजाकिस्तान के अनार्जर
के साथ वो बजरंग पुनिया को बेहद ही कड़ी टक्कर मिली है। और बता दें मुकाबला 3-3 से बराबरी पर रहा, लेकिन बजरंग पुनिया ने 2 पॉइंट का दाव लगाया था और इसी वजह से उन्हें विजेता घोषित किया गया है। अगर बजरंग अपने अगले दोनों मुकाबले जीत जाते हैं तो भारत के लिए मेडल पक्का हो जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।